महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन और वेद की ओर से शहर के चिटनेस सेंटर में मिनकॉन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी के हस्ते किया गया। शनिवार को सत्र के दूसरे दिन प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अध्यक्ष आशीष जायसवाल उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में विधायक परिणय फूके, भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके उपस्थित हुए थे। 3 दिवसीय मिनकॉन के बारे में हमारी टीम ने MSMC के अध्यक्ष विधायक आशीष जायसवाल से बात की। विदर्भाच्या खनिज उद्योगाला चालना मिळावी, खनिकर्माच्या या क्षेत्राला हा दुर्लक्षित आहे, याला योग्य तो न्याय मिळावा, सरकारने खनिज आधारित उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यावे, विदर्भाच्या खनिजावर इतर प्रक्रिया व्हावी, इथल्या लोकांना रोजगार व्हावा, WCL आणि माईलचा फायदा हा जास्तीत जास्त लोकांना व्हावा आणि स्थानिक उद्योजकांना कोणता सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावा आणि सरकारचे धोरण हे इथल्या खनिज आधारित उद्योगाला किंवा खनिकर्माला सुसंगत असावे, त्यांचा इज ऑफ डुईंग बिझनेस असावा, त्यांच्या जो एन्व्हायरमेंट असेल त्याच्या सर्व अडचणीवर त्याच्यावर सगळे मार्ग निघावा, अशा सर्व विविध उद्देशांनी या कार्यक्रमात आले। तुझ्यावर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी मला ओनरशिप घ्यायला सांगितलं आहे, त्यामुळे जे जे विषय खनिकर्म विषयाशी संबंधित आहे त्या सर्व विषयाचा एक नोट मी तयार करणार आहे आणि सर्वांशी चर्चा करून जे राज्यस्तरावर प्रलंबित विषय आहे त्याचा काल मी आढावा घेतला आणि केंद्र स्तरावर प्रलंबित विषयासाठी मी केंद्र सरकार मदतीची अपेक्षा आहे आपल्याला आणि निश्चितपणे मदत मिळेल अशी मला से भी आपको जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं को भी तैयार करने का काम हम करेंगे। जैसे आशीष जी ने कहा, आपने पिछले 5 सालों में देखा विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए, पिछले इलाकों के लिए जो जो मांगा हमने की और वापस हमारी ये तैयारी है, जो जो आप मांगोगे हम देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार भी आपको मानेंगे। तो उस दृष्टि से अरेक जी, उस दृष्टि से आपको सबको मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार अपना विचार करने वाली सरकार आई है, ये ध्यान में रखते हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि कोल माइल से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।